गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी कम्प्लीटली डिस्कस अबाउट द टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैसिटी ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल। अब देखिए, जो पानी की कमी है वो लोगों को किस प्रकार अफेक्ट कर रही है, लोगों की जिंदगी को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। पीपल हैव टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर। देखिए, लोग पानी की तलाश में बहुत ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक जा रहे हैं, एक लंबी दूरी तक जा रहे हैं पानी की तलाश में। दे हैव टू पे हाई प्राइस फॉर बाइंग वाटर, पानी को खरीदने के लिए। आज सिचुएशन ऐसी आ गई कि हम पानी को खरीद रहे हैं और पानी को खरीदने के लिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा पे कर रहे हैं। दिस इज अनसर्टेनिटी अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। और पानी की कमी ही अनसर्टेनिटी क्या हो रही है, एग्रीकल्चर के लिए उपयोग नहीं हो पा रही है। फॉर द वाटर स्केयर एरियाज रिमेन बैकवर्ड एंड निग्लेक्टेड। और जो पानी की कमी वाले क्षेत्र हैं वो बहुत ज्यादा पीछे हो रहे हैं, बैकवर्ड हो रहे हैं। देयर इज लो स्कोप फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। और पानी की कमी के कारण ही जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो रही है, स्कोप बहुत कम होते जा रहा है, नीचे होते जा रहा है। देयर आर मोर इंसिडेंट्स ऑफ डिसेज ड्यू टू प्योर सैनिटरी कंडीशन। और जो पानी है वो हमें प्योर नहीं मिल पा रहा है, उससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है। जो प्योर सैनिटरी जो अच्छाई है वो कमी हो, जो अच्छी चीजें हैं वो कम हो रही है पानी की कमी के कारण। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सफर। देयर इज इंक्रीज इन इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम, पानी के कारण ही अपराध बढ़ते जा रहे हैं। लाइफ बिकम्स हार्ड एंड मिसरेबल्स। और जो जिंदगी है, जो लाइफ है, बहुत ज्यादा हार्ड होती जा रही है, डिफिकल्ट होती जा रही है, आने वाली भी है। देयर इज अ फॉल इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एनिमल्स। और जो एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। ओके, इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैसिटी ऑन प्लांट्स। अब प्लांट्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। Plants will end ultimately dry if they are not water for a few days. यदि कोई plants उन्हें proper पानी नहीं मिल पा रहा है, बहुत दिनों तक proper पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वो पूरे plants सूख रहे हैं, सूख के खत्म हो रहे हैं। Seeds do not germinate, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी seed को germinate होने के लिए water, air और temperature की जरूरत होती है। यदि उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर और एयर मिलेगी लेकिन वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता है। थर्ड, देयर इज लेस प्रोडक्शन। उनकी खेतों में कमी आ रही है, खेती में। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स आर अफेक्टेड। क्रॉप्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे प्रभाव पड़ रहा है। फार्मर्स गेट लेस मार्केट प्लेस फॉर देयर प्रोड्यूस। और जो किसान है वो अपने मार्केट पे जो प्रोड्यूस है, हम जो उत्पन्न करते हैं प्रोडक्ट्स को, उनको बहुत कम मात्रा में मार्केट में बेच रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट, चैप्टर यू कम्प्लीटली रीड। नाउ नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट नंबर इज अबाउट हाउ मच वाटर इज सलीन। सो आंसर इज 98%। सेकेंड, वाटर इज फाउंड इन सॉलिड लिक्विड गैसियस। इज ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। थर्ड, वॉटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। थर्ड आंसर इज बी, सॉल्वेंट। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वॉटर टेबल। सो आंसर इज पॉपुलेशन, उर्बेनाइजेशन, डिफोरेस्टेशन। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। फोर्थ, सॉरी, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट डैश ऑफ द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ड्यू टू वॉटर। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका वेट होता है पानी के कारण 70%। सेकेंड, वॉटर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इन प्लांट्स। देखिए, पानी के लिए जो प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। राइट आंसर PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। थर्ड, सलीन वाटर फ्रॉम सीज एंड ओशियंस नीड्स टू बी डिस्टिलाइंड फ्रॉम इट कैन बी पुट टू एनी यूज। जो सलीन वाटर होता है, जो समुद्र का, महासागर का पानी होता है, उसको जरूरत करने के पहले उसे हम करते हैं डिस्टिलाइंटेड, DESALINATED, इट कैन बी पुट टू एनी यूज। फोर्थ, वाटर रीचेस अवर हाउस थ्रू डैश वाटर सप्लाई सिस्टम। जो पानी हमारे घरों तक पहुंचता है वो पहुंचता है म्यूनिसिपल, MUNICIPAL, म्यूनिसिपल। फिफ्थ, द यूनाइटेड नेशन रिकमेंडेस दैट पीपल नीड अ मिनिमम ऑफ
50 liters of water per day per year person for their personal use. Okay. Now next question, true or false. So first number is, seeds cannot germinate without water. सीड जो बीज होता है बिना पानी के जर्मिनेट नहीं हो सकता है, स्टेट ट्रू. सेकेंड, मोर देन 5% ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रोजन फॉर्म. हमारे पृथ्वी पे 5% पानी फ्रोजन फॉर्म में है, स्टेट फॉल्स. थर्ड, रिवर वाटर इज कॉन्सिडर्ड एज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल नेचुरल वाटर. देखिए नदी का पानी होता है वो एक प्यूरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर का, स्टेट फॉल्स. फोर्थ, वाटर कैन बी चेंज इंटू आइस बाय कूलिंग एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. जब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वो बर्फ में चेंज हो जाता है, स्टेट ट्रू. फिफ्थ, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. ग्राउंड वाटर का लेवल दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, नो स्टेट. हाँ सॉरी, इंक्रीजिंग कम होते जा रहा है, स्टेट ट्रू. फिफ्थ, सॉरी, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. हाँ, ग्राउंड वाटर मीन्स उसका लेवल कम होते जा रहा है, स्टेट ट्रू. सिक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस प्रकार की टेक्निक है जिसमें हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, स्टेट ट्रू. ओके, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर नाउ. वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.